बबल जी, अब आपको कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैंने आपके दिल पर सुरक्षा कवच जो डाल दिया है। अब इससे पहले कि नागिस्तान में वाकू की पोल खुले, मुझे इस मकड़ी का बंदोबस्त करना होगा। इच्छा नहीं है तू, अब अपने असली रूप में आ जा वरना मुखिया जी को बुला कर। अभी आप इच्छा को गलत मत समझिए, वो वहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है, उसे हम सबकी मदद की जरूरत है। मैंने कागजात बना लिए, आप साइन कर दीजिए। कैसे कागजात, कैसी साइन? अब कानूनी तौर पर बब्बल पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा और ना ही मेरी संपत्ति पर। बार और सोच ले बेटा, ऐसे रिश्ते ना टूटते। छिपते वो लोग हैं जो डरते हैं, और मैं तुमसे नहीं डरती। बहुत से हर कोई डरता है इच्छा, और मैं तुम्हारी मौत हूं। मौत तो आज तुम्हारी होगी मकरांत, बस एक बार इन पत्तों पर पैर रख दो। अगर हिम्मत है तो आओ मुझे मारो। बस आखिरी दस्तखत बाकी है, ये होने के बाद ना बब्बल मेरा बेटा और ना मैं उसका बाप। हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों का रिश्ता खत्म। क्या हुआ इच्छा, सारे पत्ते उड़ गए? हाँ, मेरी एक फूंक और मुझे इस जाल में फंसने की तुम्हारी एक कोशिश हवा में बेकार में अपनी ताकत और अक्ल जाया कर रही हो इच्छा, क्योंकि मैं
मकड़ी मकरांत, जाल बिछाना मेरा काम है और ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और अब तुम्हें मेरे जाल से कोई नहीं बचा सकता। वकील साहब, मारिए मुझे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा पिताजी। बब्बल, तू हद पार कर रहा है। किस हद की बात कर रहे हैं? हद तो कब की पार हो चुकी है। उसी दिन जब इस घर में पहली बार बंटवारे की बात हुई थी, उसी वक्त जब ये वकील पेपर देके आया था। पिताजी, मां, भैया, मैं नहीं जानता आप लोग को क्या हो गया है, आपके दिमाग पर कौन सा जुनून सवार है, लेकिन आप सब मेरी एक बात सुन लीजिए। जब तक मैं जिंदा हूं, ये घर नहीं टूटेगा। और हां पिताजी, जो रिश्ता जन्म से जुड़ा है, उसे इस तरह कानून से तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और हां, आपको मुझसे अलग होना है ना, ठीक है। रसोई में कुल्हाड़ी पड़ी है, लाकर चला दीजिए मेरी गर्दन पर। छोरा तो नहीं दादी, मेरी मौत के बाद इस घर का बंटवारा हो सकता है, और ये बात फुल एंड फाइनल है। और जैसे पिताजी कहते हैं, पत्थर की लकीर। इच्छा, कहां भागोगी? अरे ना चाहिए। लस्सी को नानी कहते, चलिए पी लीजिए। अरे मन ना है ममता, थोड़ी सी पी लीजिए। सुबह से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है, भूखे पेट सर चकराता है, और जब सर चकराता है तो उल्टा सीधा कुछ भी सोचता है। थोड़ी सी पी लीजिए, पेट और दिमाग दोनों में एक साथ ठंडक पड़ जाएगी। सबल बेटा, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये पी। ऐसा नहीं करते बेटा, पी ना। मुझे भूख ना लग रही माँ। आपके भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, बेवजह खुद को तकलीफ मत दीजिए। ना बंटवारे की बात आपने छेड़ी है, ना झगड़ा आपने शुरू किया है, फिर आप क्यों? अरे शुरुआत से क्या होता है, अंजाम देखो ना। पिताजी निकले बब्बन से अपना रिश्ता तोड़ने, अरे दोनों खामोखा बात बढ़ा रहे हैं।
मेरा बस चलता ना, दोनों को अपने टीम में कर लेता मैं। हाँ तू कर लेता और मैं बैठ के ऐवें देखता रहता ना। अकल में और ताकत में दोनों में तुझसे अव्वल हूं मैं। अरे तू अव्वल है तो मैं सुपर अव्वल हूं। अरे टिक ना पाएगा ऐसा पछाड़ दूंगा तुझे। अरे मेरी रगों में क्या कोई ऐसी वैसी भैंस का दूध है? रंगीली भैंस का दूध दौड़ रहा है मेरी रगों में। अरे तो मैंने भी अंगूरी भैंस का दूध पिया है और दोनों में कोई मुकाबला ना था। तेरी रंगीली एकदम आलसी कमजोर और हमेशा बीमार रहती थी और मेरी अंगूरी हट्टी कट्टी तंदुरुस्त। अरे सड़क पर निकल जाती थी ना तो बड़े बड़े सांड डर के भाग जाते थे उससे। अरे तो उससे क्या होता है, लड़ाई में कौन जीतता था? रंगीली। अरे तेरी याददाश्त कमजोर है, अंगूरी जीतती थी। रंगीली। अंगूरी। रंगीली। अरे अंगूरी जीतती थी। हाय हाय चुप करो तुम दोनों, यहाँ बंटवारे जैसी बड़ी बात को छोड़कर तुम दोनों भैंसों पे अटके हुए हो। अंगूरी अंगूरी बस। अरे तो इसने शुरू करा ना। अरे तो अंत भी मैं ही करूंगा। हाँ तो आजा लड़ लेना फिर। आजा आजा चला आजा, 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 आजा मैं तेरे से ये ले। छोड़ी छोड़ी। अरे ममता रहने दे, आज फैसला होके ही रहेगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 एक दूसरे को। अरे क्या कर रहा है तू? मेरे सबल का सर फोड़ेगा क्या? अरे सर फोड़ने से कोई फायदा ना होगा, डॉक्टर का खर्चा अलग होगा और जेल जाएगा सो अलग। अरे तुम दोनों की सोच अलग अलग है और मर्जी भी अलग अलग है, तो क्यों ना तुम दोनों आमने सामने बैठकर शांति से बंटवारा कर लो और अपनी अपनी जिंदगी आराम से जियो। शांति की बात इसे समझ में आते इसको तो मैं। अरे अरे रुक तू, तेरे को मेरी कसम है जो तूने आगे बोला या कुछ किया तो। अरे तूने कसम दे दी माँ, बच गया ये, वरना तो बता देता इसको मैं। अरे तो ठीक है, एक दूसरे को हाथ ना लगाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। तो ठीक है डरता हूँ मैं तुझसे, आ जा ना, चल आ जा ले। अरे अभी भी तेरे पास वक्त है, हार मान ले नहीं तो ऐसा पटकूंगा ना जिंदगी भर उठना पाएगा तू। अरे अभी इस तबल ने अपना आखिरी धाव खेला कहाँ, इससे बच के दिखा तू ले। अब गर्दन छोड़ मर जाऊंगा। अब बता अंगूरी का दूध भारी पड़ा ना रंगीली पे? अरे पीछे से पकड़ा मेरे को, ध्यान ना दिया मैंने। आगे की फाइटों में तेरे को रंगीली के दूध की ताकत दिखाता हूँ। चल माँ और तू सुन ले। चल ए शिव जी, पूरे घर में यही हो रहा है, लड़ाई झगड़े हाथापाई बहस, सबको हो क्या गया है? कब ठीक होगा ये सब? शिव जी मुझे मेरा पुराना वाला हंसता खेलता परिवार वापस दे दो प्लीज। शिव जी प्लीज। क्या हुआ इच्छा, इतने में थक गई? भागो और भागो, तुम्हें अपनी जान बचानी है। जान बचाने के लिए लोग तब तक भागते हैं जब तक उनकी जान निकल नहीं जाती। और तुम हो कि जितना भागना था मैं भाग चुकी, अब तुम्हें जो करना है कर लो। तुमने तो मुझे निराश कर दिया, मुझे लगा था कि तुम चालाक हो, हिम्मत वाली हो, अपने आखिरी सांस तक लड़ोगी, लेकिन नहीं, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें इस बात का यकीन हो गया है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो मुझसे नहीं बचोगी। खैर वजह जो भी हो, अब अगर तुमने हार मान ली है तो तुम्हें मोक्ष दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो इच्छा, अपनी आंखों से अपनी मौत देखो।
मकड़ी जाल बिछा सकती है, औरों के बिछाए हुए जाल से खुद को छुड़ा भी सकती है, लेकिन जब वो अपने ही जाल में फंसती है तो उसकी सांसों की आखिरी गिनती शुरू होती है। अब तक तो मैंने ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज आज अपनी आंखों से देखूंगी। तुम्हारी कोई भी कोशिश तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। नहीं नहीं इच्छा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे जान से नहीं मार सकती। रुको रुको रुको, सुनो मेरी बात सुनो सुनो, तुम जो कहोगी जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, मुझे जान से मत मारो। जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे कई ज्यादा कमजोर निकले। मौत देखी नहीं कि घुटने टेक दिए। चलो माफ करती हूं मैं तुम्हें, छोड़ देती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस बाजी तुम्हारे हाथ में, वरना अपनी जान पर आई है लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई। क्या शर्त है? बिल्कुल आसान है, तुमने मुझ पर और बब्बल जी के परिवार के एक एक सदस्य के दिल पर जो जाल डाला है वो अभी इसी वक्त हटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मकरांत का डाला जाल कमान से निकले हुए तीर के बराबर होता है, जो एक बार चल जाए तो दुश्मन के खत्म होने के बाद ही रुकता है। अच्छा चल, फिर तो मैं भी मजबूर हूँ। नहीं ऐसा मत करो, अगर मैंने उनके दिल पे फेंके हुए जाल निकाल दिए तो विष्णु ने मुझे जान से मार डालेगी। और अगर तुमने जाल नहीं हटाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मरना तो तुम्हारा तय है, अब इस दुनिया से तुम्हें बुरे बनकर जाना है या अच्छा होकर जाना है, ये तुम तय करो। विश्नैनी अभी यहां से बहुत दूर है, उससे शायद तुम बच भी जाओ, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? सोचो, लेकिन जल्दी सोचो, वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, मुझे इस जाल से आजाद कर दो, मैं सब पर फेंके हुए जाल हटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हारी चारों ओर तेल फैला हुआ है, तुम्हारी एक चलाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए मुझसे दगा करने की सोचना भी मत। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे आजाद कर दो। अब तुम्हारी बारी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.